फ्री कोचिंग स्कीम के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूँ इसमें, जैसे कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी आपकी सीट रखी गई है, कब से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब लास्ट डेट रखी गई है, कब आपकी मेरिट लगेगी, कब से आपकी कोचिंग स्टार्ट होगी, लड़कों की कितनी सीट है, लड़कियों की कितनी सीट रखी गई है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। उसके बाद आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। देखिए, इसके लिए जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। SC OBC स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ टोटल सीट जो रखी गई है 3500, इसमें सीट आपकी रखी गई हैं, 3500 आपकी सीट इसमें रखी गई हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। इसके लिए 1 तारीख से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 31 मई 2022 लास्ट डेट रखी गई इसके लिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी आपकी वैकेंसी रखी गई इसमें। देखिए, यहाँ से आप ये आपकी वैकेंसी की टेबल दी गई है। देखिए, अगर आपने प्लस टू पास कर रखी है तो टोटल जो आपकी वैकेंसी है, टोटल आपकी 1400 वैकेंसी दी गई हैं। SC कैटेगरी की 70% है, OBC की 30% इसमें रखी गई हैं। BOI की प्लस टू लेवल पर 686 वैकेंसी दी गई हैं। गर्ल की 294 वैकेंसी दी गई हैं, टोटल 980 वैकेंसी इसमें दी गई हैं। OBC कैटेगरी में बात करें, BOI की 294 वैकेंसी दी गई हैं, गर्ल की 126 वैकेंसी दी गई हैं, टोटल आपकी 420 वैकेंसी इसमें दी गई हैं। डिग्री पे बात करें, डिग्री पे आपकी टोटल वैकेंसी हैं 70%, SC कैटेगरी में 2100 वैकेंसी दी गई हैं, BOI की 1029 वैकेंसी दी गई हैं, गर्ल की 441 वैकेंसी दी गई हैं। टोटल की बात करें, 1470 वैकेंसी इसमें आपकी दी गई हैं। OBC की बात करें, OBC में BOI की 441 वैकेंसी दी गई हैं, गर्ल की बात करें 189 वैकेंसी दी गई हैं, 630 वैकेंसी आपकी टोटल इसमें वैकेंसी दी गई हैं। टोटल आपकी वैकेंसी हैं 3500 वैकेंसी दी गई हैं, 70% में आपकी BOI की 1715 वैकेंसी हैं, गर्ल की 735 वैकेंसी दी गई हैं, टोटल 2400 वैकेंसी दी गई हैं। 30% OBC में बात करें, BOI की टोटल वैकेंसी 735 वैकेंसी हैं, गर्ल की बात करें 315 वैकेंसी दी गई हैं, 1050 वैकेंसी ये कैंडिडेट की दी गई हैं। अब बात करते हैं आगे। देखिए, जो आपके फॉर्म हैं 1 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, 31 मई 2022 लास्ट डेट रखी गई है। जो आपकी टेंटिव डिक्लेरेशन मेरिट की लिस्ट दी गई है, 5 जून को आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। और जो आपकी कोचिंग है वो आपकी 4 से 29 दिसंबर के बीच में आपकी कोचिंग है स्टार्ट होने वाली इसकी। अब मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन करके दिखाता हूँ कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना फ्यूचर में ऐसे कोई अपडेट पाने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये फ्री कोचिंग स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है। देखिए, यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ से आप देखिए, अगर आपके पास डू यू हैव NSP ID है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर देंगे इसे। उसके बाद नीचे आ जाना आपको, यहाँ से अपनी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी, जो भी आपकी कैटेगरी है SC OBC, जो भी आपकी कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट लेनी है आपको। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डाल देना आपको। उसके बाद यहाँ से अपना फादर का नाम आपको डालना है। उसके बाद यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अपना एक मोबाइल नंबर डालना है आपको, email ID यहाँ पर डाल देनी है आपको। उसके बाद यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ से आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड को आप दोबारा से कन्फर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको किस स्टेट से आपने 10th क्लास पास की थी, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद नीचे आना आपको, यहाँ से आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है आपको। उसके बाद किस ईयर आपने 10th क्लास पास की थी, यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद जो ये आपको कैप्चा दिया गया है, यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ से आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आपको 3 डॉट पर दोबारा से क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, जो आपने email ID दी थी वो यहाँ पर डालनी है आपको, और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है।
उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है, ये जो कैप्चा दिया गया है यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ आपको सिंपली यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप साइन इन कर देते हैं उसके बाद आपको फॉर्म ऐसे ही चेक करना होगा, ऐसे ही आपको अप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है, ऐसे वीडियो आपको देखनी आगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, देखिए जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आप देखिए यहाँ पर आपने जो बेसिक जानकारी डाली थी वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। पहले जैसे आपका नाम, उसके बाद यहाँ से अपना फादर का नाम डाल देना आपको। उसके बाद नीचे आना आपको, अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आना आपको, यहाँ से आप मैरिड अनमैरिड जो भी अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आना आपको, यहाँ से अपनी स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ से आपको करंट एड्रेस आपको डालना है, यहाँ पर अपना करंट एड्रेस आपको फिलअप करना है कंप्लीट। यहाँ पर अपनी स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालना है, यहाँ पर अपना पिन कोड नंबर डाल देना आपको। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ से आपको सेम एस पर क्लिक भी कर देना है। देखिए मैं पहले से डाल देता हूँ। देखिए उसके बाद जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, डालने के बाद यहाँ पर अपना पिन कोड डालने के बाद यहाँ से इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, उसके बाद नीचे आना आपको, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने एसएससी के लिए करना है तो आप एसएससी क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको क्वालिफाई एग्जामिनेशन डिटेल यहाँ से आपको डाल देनी है, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ से आपको प्लस टू की डिटेल डालनी है आपको। यहाँ से आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है, किस स्टेट से आपने प्लस टू पास की थी यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है, यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ से आप स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे, आर्ट, कॉमर्स, साइंस जिससे भी आपने कर रखी है अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे किसी आपने प्लस टू पास की थी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे जीपीजी मार्क्स जो भी था अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पर डालने हैं आपको, टैक्स मार्क्स यहाँ पर डालने, परसेंटेज आपकी खुद उठा लेगा। उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट डाल देना आपको, यहाँ पर सिक्स सब्जेक्ट और डाल देने हैं। डालने के बाद आपको नीचे आना है, देखिए यहाँ से सिमिलर कोचिंग सेंटर जो भी अपने अकॉर्डिंग आपको डाल देना अच्छे से चेक करने के बाद। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है, अगर आपको कोई भी बेनिफिट मिलता है तो ये सुनो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको बैंक की डिटेल डालनी है, होल्डर का नाम डाल देना आपको, उसके बाद बैंक का नाम डालना है, अकाउंट नंबर डाल देना आपको, आईएफएससी कोड डाल देना है। उसके बाद नीचे आना आपको, यहाँ से टोटल इनकम यहाँ पर आपको डाल देनी है, अपने फादर का नाम यहाँ पर डालना आपको। उसके बाद एज डाल देनी है, क्या काम करते हैं आपके फादर वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, नॉट एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, टोटल इनकम आपकी जीरो अकाउंट ये पहले ही दिखा देगा। उसके बाद यहाँ से अपने मदर का नाम डाल देना है आपको, एज डाल देनी, क्या काम करती है आपकी मदर वो यहाँ पर आपको डिटेल डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ से आप डिक्लेरेशन देंगे, यस आईडी पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप सबमिट करते हैं उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाता है। उसके बाद अपना प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेंगे आप फ्यूचर के लिए। ऐसे अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। पासवर्ड मैं आपको पहले बता दूं, पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, जैसे कि आपका कोई भी नाम है, जैसे आपका जो नाम भी है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे मेरा नाम ये है, पहले आपको एन बड्डा करना, उसके बाद जो भी आपका नाम हो उससे भी अक्षर आपको छोटे करने हैं, एट द रेट 123 आप ऐसे अपना पासवर्ड बना सकते हैं। ऐसे अपना पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में।